हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं आपका होस्ट हूं गाइस। हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। टॉपिक बेसिकली वही पुराना है, आप लोग याद होगा काफी दिनों पहले हमने एक हीरो इंपल्स के लिए बिकिनी फायरिंग ऑर्डर किया था और आप लोगों को इसे देखे मुझे याद आ रहा। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उसको देख सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे करने वाले थे एलईडी हेडलाइट जो इंस्टॉलेशन करने वाले थे, बट कोविड-19 वैसे हमको अवेलेबल नहीं हो रही थी, बट मैंने उसको मंगा लिया है। ये हेडलाइट है जो हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले एलईडी की, मैंने अमेजोन से परचेस किया। आपको चाहिए तो वहाँ से उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। दिस इज नॉट अ पेड रिव्यू काइंड ऑफ, कुछ नहीं है ये, आप वहाँ से ले सकते हो, आपको कम्युनिटी डाल देता हूँ। सो गाइज देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इसमें इसका जो प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, और अभी एंगल चेंज करते हैं और बाइक का प्रोसेस कर लेते हैं। सो गाइज सबसे पहले ये डिसाइड करिए आपको हेडलाइट किस शेप में लगानी है। आपको ऐसे स्क्वायर में लगानी है, ऐसे वर्टिकल लगानी है, किस शेप में लगानी है वो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि ये हेडलाइट जो एलईडी लाइट है इसका कुछ भी जो फोकस है वो स्ट्रेट है, कोई ऐसा नहीं कि आपको लाइक ऊपर नीचे कुछ है करना। आप किसी भी शेप में लगा सकते हो उसको, फोकस आपका स्ट्रेट ही गिरने वाला है। सो मैंने मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगाना है मुझे ये शेप में लगाना, बिकॉज इट विल लुक मोर स्मार्टर देन स्क्वायर में लगाने से, अच्छा लगेगा ये, ज़्यादा स्मार्ट दिखेगा। तो उसके हिसाब से मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद भी हम लोग उसको ग्राइंडर से कट करेंगे। कट करने के बाद फिर हेडलाइट को फिट करेंगे, उसके बाद तो फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को हेडलाइट को कट करना है, तो एंगल चेंज करते हैं, इसको कट करते हैं ग्राइंडर से फटाक से। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I? यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है, कट करके इसको प्रॉपर शेप दे दिया है हैंड ग्राइंडर के मदद से। यू कैन सी ये पोर्शन निकाला है मैंने कट करके। अभी करना हमको ये है ना, हमको ये हेडलाइट इसके अंदर फिट करनी है, तो ये प्रॉपर शेप में तो आ गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग फिक्स नहीं करना है, इसको हम लोग को परमानेंट ऐसा फिक्स नहीं लगाना, हमको ये फ्लोटिंग लगाना है। फ्लोटिंग इन द सेंस जब भी हम लोग अपने रोड के हिसाब से, हाइट के हिसाब से हम लोग उसको फोकस को आगे पीछे सेट करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कंपनी का आता वैसे करना है। सो हमको करना क्या है, इसको अब यहाँ से कट करके ये वाला जो पोर्शन इसको निकाल देंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ग्लू वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग को परमानेंट करना ताकि ये खड्डे में पटकने वटकने के बाद भी ऑफ रोडिंग में टूटे नहीं। सो गाइज ये तो हो गया अपना, इसको भी इंस्टॉल करना, तो इसका कुछ जुगाड़ करते हैं पहले। सो ये कैसे करना क्या करना आपको बताता हूँ ना। ठीक है, सो गाइस फाइनली बिकिनी फेरिंग जो है उसको कटिंग वटिंग करके रेडी हो चुका है। अभी करना है हमको इंस्टॉल करना है हेडलाइट को, जो एलईडी लाइट है उसको। यहाँ पे ऐसे कुछ होगा ये फिट, बट मुझे इसे फिक्स नहीं करना है, मुझे ये फ्लोटिंग चाहिए ताकि मैं अपना जो रोड का फोकस है उसको एडजस्ट कर सकूँ, सेट कर सकूँ अपने लाइक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्लोटिंग करना बेसिकली यहाँ पे एंगल होगा, यहाँ से इसको ऐसा स्विच कर सकते हैं हम लोग, ये फिक्स पोर्शन यहाँ पे सपोर्ट करना है यहाँ से। सो उसके दो तीन चीज़ें हैं, आप यू कैन सी हियर, ये चीज़ देख रहे हो, ये बेसिकली आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब दिखा तो यहाँ पे लगा हुआ था, ये इसका होल्डर है, मैंने इसको कट कर लिया, इसको यूटिलाइज़ करेंगे। इसके अलावा हमको एक ये चाहिए स्टॉपर, जो लाइक यू नो समथिंग अराउंड 5 mm 6 mm की कुछ है, ये थिक है, एक्रेलिक शीट से मैंने कट किया। एक्चुअली मेरे पास ये नंबर प्लेट पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने कट करके उसमें से पीस निकाल लिया है। अभी करना ये है हमको कि इसे यहाँ पे फिक्स करना है और इसे यहाँ पे फिक्स करना है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स होने के बाद क्या होगा, ये परमानेंट हो जाएगी, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे क्रैम्पिंग करना है यहाँ पे हेडलाइट के ऊपर और नीचे। तो उसकी इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो इसको फिक्स करने के लिए हमको दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो है ये वेट्रा का इंस्टेंट एडेंसिव है, जो फेविको की तरह ही होता है, ये कमर्शियल यूज़ में होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में लगता है ये। इसके अलावा दो हम लोग को एरोलाइट लेंगे जो परमानेंट फिक्सिंग हो जाएगी। उसके अलावा हमको सिलिकॉन लगेगा, सिलिकॉन इसलिए चाहिए था कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गैप है, सो मुझे ये गैप पूरा कम्प्लीटली फिल करना ताकि इसमें कोई वाटर लेकिन कम्प्लीटली वाटर प्रूफ हो जाए, पानी वगैरह जाए नहीं, जिसकी वजह से शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले करते ही है कि इसको यहाँ पे जो इसका जो बेस है बेस बना लेते हैं, उसके बाद आइएगा प्रोसेस करते हैं। भाई सबसे पहले डिसाइड ये करो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाएं, कौन सा पोर्शन आपको कहाँ यूज़ करना है। मैं तो मेरा है कि ये वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ आ जाए, ये ऊपर की तरफ आए, तो नीचे की तरफ मुझे ये पेश करना है और ऊपर की तरफ मुझे ये पेश करना। सबसे पहले मुझे जो सरफेस है ये वाला, इसको थोड़ा रफ़ करना है ताकि
अच्छे से ये हो जाए, लग जाए, पेस्ट हो जाए, रहे नहीं कुछ भी बाहर, तो उसके लिए मुझे फाइल की जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी योर ऐसा कैन सी ये थोड़ा रफ होगा तो ये आराम से पेस्ट हो जाएगा। तो ये पोर्शन हमको यहाँ पे लगाना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे तरफ घस लेते हैं। आप फाइल से कर सकते हो या फिर 100 ब्लेड होती है उसको कट कर से उससे भी कर सकते हो, या फिर सैंड पेपर होता है जिसे एमडी पेपर बोलते हैं जो हार्डवेयर में इजीली मिल जाता है उससे भी कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे रफ़ हो गया है। रफ़ होने के बाद ये पेस्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी हमको। सो थोड़ा सा इससे भी शेप दे देते, प्रॉपर कर देते ताकि ये थोड़ा रफ कर देते हैं, इसे फ्राई करते हैं इसको फ्लैट करने का ताकि हम लोग को ज़्यादा सरफेस मिल जाए यहाँ पे। कैन सी हियर थोड़ा सा घस के ये फ्लैट हो गया है, थोड़ा इसको रफ करते हैं इससे। बड़े ध्यान से इसको लगाना है ताकि ये हरा तड़ा लगे नहीं। इस सेंटर में ही होना चाहिए वरना थोड़ा सा ये चिपक गया है। देख सकते सेंटर है या नहीं है इसका। सेंटर नहीं था, थोड़ा सा फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अगर अगर सेंटर में नहीं रहेगा तो आपका जो लाइट है ना वो कम्प्लीटली सेंटर लाइन है। ये सेंटर, ये भी प्रॉपर सेंटर में ही होना चाहिए वरना इतनी मेहनत जो की है ना वो बेकार हो जाएगी। चिपक जा भाई, क्यों तकलीफ दे रहा है। कैन सी यार थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी यहाँ से डाल के
सो गाइस फाइनली ये पेस्ट हो गया है, यू कैन सी योर। इस तरीके से हमको इधर लगाना था इसे, इसको यहाँ पे ऐसे, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये काफ़ी फर्म्ड हो गया है ग्लू के हिसाब से, जो इंडस्ट्रियल यूज़ किया उसके हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, एकदम टूटेगा नहीं इतना तो कन्फर्म है। अब करना ये ना हमको, इसके साथ में जो ब्रैकेट आया है क्लैम्प, ये वाला है, ये स्टैंडर्ड क्लैम्प है जो साथ में आता है, इसी को हम लोग को इसको फिट करना है। यहाँ पे फिट हो गया। अभी होगा कि ये ना ये पोर्शन ऐसा चाहिए मुझे, ये यहाँ पे फिक्स, ये वाला पोर्शन फिक्स होगा और ये नीचे से मूव करेगा जैसे छः वैसे। मैं अपने हिसाब से इसको देख आपका जो एडजस्टमेंट है फोकस उसको सेट कर पाऊँगा। सो अभी देखते हैं इसको यहाँ पे ऐसे डालते हैं। ये ऐसे आ गया यहाँ पे इतना, ये बेसिकली इतना होना चाहिए। कैन सी यू, ये जो पोजीशन है ऐसे मैच करेगा। उसको यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे एक एल ब्रैकेट फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये आराम से बैठ जाए। सो फाइनली यहाँ पे तो ये हो गया। अब इसका थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते। सो गाइस यू कैन सी योर ये लाइक यू नो परमानेंटली, मैंने इसका एक्चुअली ग्लास निकाल दिया ताकि सेफ रहे ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली ना चिपका दिया है, परमानेंट कर दिया है इसका पेस वगैरह। यहाँ पे भी मैंने इसको लगा के यहाँ पे होल वगैरह मार के रेडी कर दिया ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा इजी हो जाए। सो फाइनली गाइस इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी होल ड्रिल किया, यहाँ पे भी एक ड्रिल किया हुआ होल, यहाँ पे भी एक होल ड्रिल किया ताकि मैं एडजस्ट कर सकूँ सब उसके हिसाब से। सो अभी इसको फिट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कर दी मैंने। और इसके अलावा मुझे ये स्टैंडर्ड एक फिटमेंट मिला था जो ब्रैकेट के साथ में ही आया था, उसी को मैंने यूज़ किया यूटिलाइज़ किया है। सो अभी सबसे पहले इसको लाइक असेंबल कर देते हैं फटाफट। ये वाला बोल्ट है ये भी इसी के साथ में आया था फिटमेंट, सो इसी को फिट करना है हम लोग को। सो गाइज यू कैन सी योर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे फ्लोट हो रहा है। ये बेसिकली फ्लोटिंग सिस्टम करना था मुझे, फिक्स नहीं करना था, तो वही मेरी ज़्यादा करके कोशिश रही थी कि इसको ये कर ले। अभी ऊपर का तो आपने देख लिया, ये सेटल, ये किस तरीके से मैंने इसको माउंट किया है यू कैन सी योर,
किस तरीके से इसको फिट किया हुआ है यहाँ पे। अभी इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो यहाँ पे है, यहाँ के लिए आपको एक सेटिंग स्क्रू लगाना है ताकि आप इसके हिसाब से अपना फोकस सेट कर सके। उसके लिए आपको एक स्क्रू की ज़रूरत है और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक जो एक्रेलिक का जो ये था उसके बाद मैंने स्क्रू एक नट है उसको, ये बेसिकली बैटरी नट है, बैटरी में जो कनेक्टर्स में रखते हैं वो नट है, वो मैंने यहाँ पे इसको मैंने फिक्स कर दिया ताकि परमानेंट रहे, मुझे इसको किसी सपोर्ट लेके पकड़ के दूर स्ट्राइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एक स्प्रिंग की ज़रूरत है, रिटर्नर स्प्रिंग की, जो आपकी इसकी पोजीशन आपको ऑटोमेटिकली सेट करने सेट करे वैसा वाला। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी थी और ये आपको बेसिकली आपका जो ब्रेक का जो रियर ब्रेक होता था उसका एक रॉड होता है, रॉड के अंदर बेसिकली होता है, तो मेरे पास पड़ा था उसको कटिंग करके ले लिया मैंने, आपको चाहिए तो आप वो लगा सकते हो। सो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले आपका स्क्रू आएगा, इसका आपकी स्प्रिंग आएगी इस तरीके से और फिर ये यहाँ पे फिट होगा। यू कैन सी हियर, अभी इसको जैसे जैसे आप टाइट करते रहोगे ये अपने आप सेल्फ एडजस्ट होते रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप सी, अभी यहाँ पे नोटिस करो आप, अब लूज करोगे तो ये अंदर चला जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे नोटिस कीजिए, अब वो टाइट करो तो ये ऊपर आ जाएगा। यू कैन सी हियर, समझ में आ रहा है? सो ये मुझे करना था बेसिकली और अभी तो ये परमानेंट हो गया है। यू कैन सी किस तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स हो गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे मुझे जो बेडिंग आती है रबर बेडिंग्स होती है वो यहाँ पे रबर बेडिंग डाल देंगे तो ये गैप पूरा चला जाएगा और इसको प्रॉपर सेट कर देंगे इसको। तो बेसिकली अभी ये कम्प्लीट हो गया है, यहाँ पर ये आपका फिटिंग देख सकते हो आप, यहाँ पर यू कैन सी योर किस तरीके से फिटिंग एकदम प्रॉपरली इसका हो गया है यहाँ पर। सो गाइज अभी इसको फिट करते हैं। उससे पहले इसको पूरा सिलिकॉन से भर देते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सिलिकॉन डालते हैं ताकि ये एकदम परमानेंट हो जाए और उसकी जगह पे किसी चीज़ की काइंड ऑफ वाटरप्रूफिंग होता है ना वैसे हो जाइए। ये आपको किसी भी हार्डवेयर में मिल जाएगा, उसको बोल दोगे सिलिकॉन बेस्ड चाहिए मुझे तो आपको दे दे।
सो आई कैन सी हियर ये कंप्लीट हो गया है परमानेंट एकदम। गाइस आपने देखा किस तरीके से बिकिनी फेयरिंग में जो हम लोगों ने पहले फैब्रिकेट किया था, डिजाइन किया था, उसको किस तरीके से हम लोगों ने एलईडी हेडलाइट इंस्टॉल किया, उसको सारा प्रोसेस बता दिया। वो करने के बाद सारा प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकला है वो ये है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ ये है कि ये देखना कि इसकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है रोड पे। और इसमें छोटे मोटे दो तीन काम रह गए बता देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा गैप रह गया, वो गैप को कवर करने के लिए हम रबर बेडिंग होती है, छोटी सी रबर बेडिंग लाके इसको अंदर फ्रेम के अंदर जो बिकनी उसमें फिट कर दें ताकि ये कवर हो जाए और खराब नहीं दिख रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी इसको डाल देंगे ताकि वो एक अच्छी तरह से अच्छा लुक दे और प्रॉपर हो जाए, वो काम अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक सेल्फ एडजस्टमेंट स्क्रू लगा जिसकी वजह से आप अपना फोकस जो लाइट का जो अप्रोच है रोड पे किस तरीके से चाहिए, आगे चाहिए, पीछे चाहिए, बीच में चाहिए, मिड में चाहिए, वो आप उसके हिसाब से आपको सेट कर सकते हो। उसके अलावा ये सारा फिटमेंट है परमानेंट कर दिया है मैंने, अभी कनेक्शन बाकी है। इसको इंस्टॉल करना है अभी बाइक में और टेस्ट करना है, इसको आज नहीं करना है बिकॉज हम लोग यहाँ पे कम्प्लीट लॉकडाउन हो गया है कल से, सो हम नीचे जा नहीं सकते उस वजह से। तो इसके लिए हम लोग उसका पार्ट ही बनाएंगे, तीन पार्ट में हम लोग उसको असेंबल कर लेंगे, टेस्ट करेंगे, नाइट विजन दांत में किस तरीके से उसका फोकस गिर रहा, अप्रोच कर रहा, वो भी देखेंगे और फिर देखते हैं क्या होता आएगा प्रोसेस, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस अगर आप लोगों को ये मेरा काम अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और बस इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम राइड हार्ड राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।